दस बॉल 31 रन भाई, बहुत मुश्किल है कराची का जीतना। बहुत ज़्यादा मैच फंस चुका है। स्लो बॉल, 9 बॉल 31 रन, खत्म मैच भाई। कैप्टेंसी करता है सरफराज अहमद, वैसे जो बात है ना, सरफराज अहमद कैप्टेंसी बहुत अच्छी करता है। आठ बॉल 30 रन, PSL 8 में कराची अपना तीसरा मैच लगातार हारते हुए। कॉम्बिनेशन टीम का बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन टीम का सही नहीं है। कोई भी जारहाना प्लेयर इनके पास नहीं है। मैथ्यू वेट इतना कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक वो। अब गप्टिल को देखो, उसने सेंचुरी मार दी। ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है कराची के पास। आठ बॉल 30 रन कैसे बनेगा यार? उफ, डबल। 7 बॉल 28, 6 बॉलों पे 24 रन बन सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अल्लाह करे बन जाए, कराची मैच जीत जाए अपना। 5 बॉल 23 रन, कराची गयो, नहीं जीतता अब कराची भाई। 5 बॉल 23 रन, मलिक साहब स्ट्राइक पर, 5 बॉलों पे 23 रन, कराची किंग को चाहिए। क्या बोलते हो, बन जाएंगे? ये वाली बॉल बता देगी कि क्या होने वाला है। ओह, चौका। 4 रन भाई, 4 बॉल 19 रन, ये छक्का। 3 बॉल 15 रन, 70 रन बना लिया मलिक ने भाई, छक्का। 70 रन पे मलिक खड़ा है, ऐसे पिछले मैच में हुआ था। 80 रन इमाद वसीम ने बनाए थे पर मैच नहीं जीत सके थे। 70 रन मलिक बना चुका है, अल्लाह करे ये फिनिश कर दे मैच, अल्लाह करे ये मैच फिनिश कर दे। मलिक मार, ए आई आई, गया मैच खत्म भाई। 2 बॉल 14 रन, कराची गया। कराची अपने ग्रुप का तीसरा लगातार मैच हार के बिल्कुल पॉइंट टेबल पे, बिल्कुल बॉटम पे। तीनों मैच बड़े क्लोज गए पर फिनिश नहीं हुआ है। मैं नहीं करता कराची किंग को सपोर्ट। मेरी फेवरेट टीम है अब इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब कराची किंग को सपोर्ट नहीं करना। नसीम शाह की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है नसीम शाह ने। एक साल से ज़्यादा हो गया कराची किंग ने कोई मैच नहीं जीता। करे कराची वर्सेस लाहौर, अल्लाह करे कराची जीत जाए। मुझे तो लग रहा कल भी हार जाएगा।